बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि आप भाई के साथ आज मैं शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स इस्तेमाल शुदा है, यूजेबल में है, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इसका क्या रेट चल रहा है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फिर आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ। तो यह है जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि यूजेबल में है सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में, इस कंडीशन का मोबाइल इस्तेमाल शुदा आईफोन 11 प्रो मैक्स भाई कितने तक का सेल हो रहा है, और इस कंडीशन के मोबाइल के सऊदी अरब किसी भी सिटी से भाई खरीदते हैं इस कंडीशन का आईफोन 11 प्रो मैक्स तो आपको कितने तक का लेना चाहिए। आप भाई के साथ तमाम डिटेल इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर इसके भाई डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच का, मैं आपको डिस्प्ले पहले ही बता दूँ इसी वीडियो में, 6.5 इंच का लार्ज टाइप बड़े टाइप का डिस्प्ले दिखाई देगा। अच्छा, आप भाई के साथ इसकी कंडीशन शेयर कर देता हूं मैं आपको, यानी कि मोबाइल की लुक दिखा देता हूं, उसके बाद इसके प्राइस से भी आपको अपडेट कर दूंगा। बैक साइड से अगर मिरर की बात करें यानी कि कैमरों के मिरर की, तो बिल्कुल ओके है इसके इनके ऊपर भाई, और कैमरों के इर्द गिर्द जो कलर इस्तेमाल किया गया है इनके ऊपर कोई किसी किस्म की अगर खराश या कलर कहीं से उतरा हो तो भाई आपके मोबाइल के प्राइस काफी लो हो जाते हैं। ये अपने जहन में रखिए, अगर आपको आईफोन भाई यूजेबल खरीदना चाहते हैं तो इस चीज पर खास नजर रखिएगा। नीचे एप्पल वाले के लोगों की बात करें तो बिल्कुल ओके है, अगर इसके ऊपर भी खराशे हों तो आपके आईफोन के प्राइस भाई काफी लो हो जाते हैं, लेकिन इसके भाई ऊपर भी कोई किसी किस्म की मैं खराश नहीं देख रहा हूं। नीचे से भाई बात कर लेते हैं, स्पीकर गिलिंग है, चार्जिंग की जगह है, ये बिल्कुल ओके है। चार्जिंग की जगह भाई अगर रिप्लेसमेंट हो तो साइडों पर 2 इसके वोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको यहां पर मैं शायद दिखा रखा हूं तो वो बिल्कुल भाई आप खुद से देख सकते हैं यार रिप्लेसमेंट की गई है या नहीं की गई है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल पड़ी हुई है। साइडों से कोनों से मोबाइल को देखता हूं मैं कहीं कोई खराश का निशान, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कोई किसी किस्म की दाग का चोट का निशान या कोई किसी किस्म की खराश का निशान भाई बैक साइड से नहीं देखा है। अभी बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरे या ऊपर वाली स्पीकर गिलिंग की। स्पीकर गिलिंग में भाई हल्की फुल्की धूल होती है, यूजेबल मोबाइल में ये कोई मसला नहीं है, लेकिन सेल्फी कैमरा बिल्कुल ओके है जी। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 6.5 इंच का बड़े टाइप का डिस्प्ले है, तो इसको चेक करने का भाई एक सिंपल तरीका मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि आप भाई मोबाइल का बैक कैमरा चला लें, फ्रंट कैमरा चला लें, उससे आप अपने भाई कैमरे का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं और डिस्प्ले में कोई किसी किस्म का दाग धब्बे का चोट का निशान हो, कोई ब्लैक हेड्स हो भाई, वो आपको साफ वाजिया दिखाई दे जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप सेटिंग खोलते हैं आपका तमाम डिस्प्ले व्हाइट हो जाता है, आप बैटरी हेल्थ भी यहां चेक कर सकते हैं, अपना डिस्प्ले भी चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर मैं बैटरी हेल्थ इसकी चेक करवा देता हूं, अभी मैं अभी भाई ओपन कर रहा हूं, अक्सर भाई इसके मुतालिक पूछते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं जी 81% 81% इसकी बैटरी गुड कंडीशन में अभी भी पड़ी हुई है। अगर बैटरी रिप्लेसमेंट हो तो सिंपल सी बात है जी 95-97 या 100% होगी और आपको भाई मोबाइल से अंदाजा हो जाएगा ये मोबाइल खुला हुआ है, लेकिन ये मोबाइल बिल्कुल नहीं खुला हुआ है, बैटरी भी इसकी गुड कंडीशन में अभी पड़ी हुई है। स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें 64, 256, 512 GB 3 स्टोरेज मिलेंगी, 128 GB स्टोरेज भाई इसमें नहीं है। रैम इसमें एक इस्तेमाल की जाती है 4GB, आप इसमें कोई भी स्टोरेज वाला ले लें, प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। अगर ओरिजिनल बैटरी की बात करें तो आपको 4000 mAh की भाई इसमें ओरिजिनल बैटरी भी मिल जाएगी। एक सेल्फी कैमरे की बात करें 12 मेगापिक्सल के, बैक साइड पर तीनों कैमरे वो भी 12 मेगापिक्सल के हैं, और इसके अगर इस कंडीशन वाले के यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा मोबाइल है जी, बैटरी कंडीशन भी इसकी गुड हालत में है। आप भाइयों को सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में, यहां पर भाई मैं आपको एक थंबनेल दिखा रहा हूं, मैंने इस वीडियो का लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, यानी कि ये वीडियो मैंने ओप्पो वालों के मुख्तलिफ मोबाइल्स की एक साथ बनाई है, सॉरी हवावे वालों की यार बोल रहा हूं, तो इसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका इस वीडियो का लिंक छोड़ दिया, मेरे दूसरे चैनल पर पड़ी हुई है। अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस के ऊपर, तो भाई ये 256 GB स्टोरेज वाला आईफोन 11 प्रो मैक्स इस वक्त ये भाई शॉप वाला इसके 3535 रियाल मांग रहा है, तो मैंने इसको बोला इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा, वो बोलता हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप भाइयों को अगर ये 3000 या 3100 अगर कोई लवर है तो 3200 रियाल दे दे जी, बस इससे ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए। आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं, किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।